हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, अभी अभी जो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में वीडियो देखा है, यहाँ पे जो फेस पे कॉकरोच चलने वाला, आज हम आपको यहाँ पे इस तरीके के वीडियो को बनाकर दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे इस वीडियो को कल एक मैम ने बनाया था और अभी तक वहाँ पे 8 मिलियन के आसपास इस वीडियो पे व्यू आ चुका है। तो यह वीडियो टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुआ है। तो अगर आप भी यहाँ पर ऐसे वीडियो को बनाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देकर आपको पूरा देखना होगा। और यहाँ पर इस वीडियो को बनाना बहुत ही आसान है, आप यहाँ पर एक बार देखने के बाद ऐसे वीडियो को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको यहाँ पर 2 एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो वह एक स्क्रीन रिकॉर्डर और दूसरा है स्नैपचैट एप्लीकेशन। तो आपको इस दोनों को यूज करके यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से वीडियो को बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और यहाँ पे देखते हैं कि मैं वीडियो को कैसे बनाना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए यहाँ पर टिकटॉक के ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आते रहता हूँ। तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर सबसे पहले, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। सर्च करके स्क्रीन रिकॉर्डर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ऑन कर लेना है। इसको देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको ऑन कर रखा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको इसको पहले इंस्टॉल करके स्टार्ट कर लेना है। और इतना कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर पर जा करके आपको सर्च करना है स्नैपचैट। और इसके बाद आपको वहाँ पर क्या करना है कि आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन को आपको वहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो आप यहाँ पे सिंपली जैसे ही आप यहाँ पे स्नैपचैट लिखेंगे आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा। और बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं लोग। तो यहाँ पे इसको अपडेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसको अपडेट बाद में कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करके, मतलब इंस्टॉल तो कर चुके हैं, बस यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद इस तरीके से आपका यहाँ पे फेस वगैरह आ जाएगा। तो आपको ऊपर सर्च बार दिख रहा होगा, आपको ऊपर सर्च बार में जाना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है सिंपली कॉकरोच। आप जैसे यहाँ पर कॉकरोच सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर में एक फ़िल्टर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर में आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फ़िल्टर ऑटोमेटिक आपके फेस पे आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो कॉकरोच वाला इफेक्ट है आपके मतलब फेस पे अपने आप यहाँ पे कॉकरोच चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे वीडियो को मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है। और यहाँ पर हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और इस तरीके से उसी मतलब उस मैम ने इसी तरह से वीडियो शूट किया था, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही वीडियो था उसका। और वीडियो को शूट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है और स्क्रीन रिकॉर्डर आपका यहाँ से बंद हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको आपको जाकर के काइन मास्टर एप्लीकेशन में वहाँ पे आपको इसको क्रॉप कर लेना है। तो काइन मास्टर और इन तीनों एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाकर के वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि काइन मास्टर को ओपन करना है। जब आप यहाँ पे स्टार्टिंग में काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा आपको। तो आपको यहाँ पे इस प्लस वाला आइकन पर आपको क्लिक करना है और बीच वाला रेशियो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, 9 और 16 का रेशियो। और इतना कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको ऊपर में एक मीडिया का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो आपको ऊपर मीडिया पर क्लिक करना है और रिकॉर्ड मास्टर में जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ होगा, आपको उस वाले फाइल में जाना है और वहाँ से आपको स्क्रीन रिकॉर्डर को क्या करना है ले करके आ जाना है। और इस तरीके से आपको लेकर के आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसमें पहले आपको कट करना है, आपको कितना पार्ट रखना है, कितना पार्ट आपको कट करना है पहले आपको इसको अच्छे से देखना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ से वीडियो को मतलब रोकेंगे और इसके स्टार्टिंग का ऐसा पार्ट है इसको कट कर देंगे और ऐसा पार्ट को हमको रखना है। तो ये सब जो पीछे का पार्ट है यहाँ पर इसको हम कट करेंगे। तो आपको सिंपली वीडियो पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको कैची का एक मतलब आइकन दिख जाएगा आपको, और आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग का सब पार्ट कट चुका है। और इसके बाद आपको फिर से वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। और आगे बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे जितना वीडियो को रखना है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड उतना आप वीडियो को रख ले। और इसके बाद इसके आगे का जो वीडियो होगा उसको आपको यहाँ पर फिर से कट कर देना है। तो हम यहाँ पर इसको चला करके देख लेते हैं कि हमें कहाँ तक वीडियो को रखना है। और हम यहीं तक वीडियो को रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहीं पर वीडियो को रोक करके क्लिक मतलब वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद कैची का एक आइकन ऊपर में आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको फिर से इसी कैची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसके आगे का पार्ट पूरा हम कट कर देंगे। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको क्रॉप करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा बीच में क्रॉपिंग का, और इस पर क्लिक करके यहाँ पे इक्वल जैसा एक आइकन दिख रहा है तो आपको इस पर क्लिक करके इक्वल कर देना है इसको। और इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथों से आपको इस तरीके से इसको अच्छे से क्रॉप कर लेना है। और क्रॉप कर लेने के बाद आपको ऊपर में एक राइट का ऑप्शन दिख जाएगा, ऊपर में जा करके आपको वहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। और अब आप यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं, आपका वीडियो एकदम परफेक्ट बन चुका है उस मैम की तरह।
और आपको यहाँ पे साउंड को ऐड करना है, तो इसके लिए आपको लेयर पे क्लिक करके मीडियम में जाना है। और मैंने अपने टिकटॉक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको जाकर के वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे उस वीडियो को लेकर के आ जाना है, और वीडियो को लेकर के आने के बाद कैची पे क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ से आपको क्या करना है, वीडियो को डिलीट कर देना है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉन्ग नीचे में आ चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको शेयर पे क्लिक करना है और फुल एचडी में यहाँ से आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।